नमस्ते, हम पापा के संबंधित त्योहार बनाते हैं, माँ के संबंधित त्योहार बनाते हैं और दोस्तों के संबंधित भी। तो आज मैं कंचनम जैन छठी कक्षा सी विभाग से भाई बहन के संबंधित मनाया जाने वाले त्योहार के बारे में बोलने जा रही। जी हाँ, मैं रक्षा बहन के बारे में बोलने जा रही। यह त्योहार भाई बहन की स्नेह की डोर को बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई को मस्तक पर टीका लगा कर, अक्षत डालकर, मिठाई खिलाकर रक्षा की डोरी को बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। उसके बाद भाई की आरती भी उतारती है। यह एक हिंदू एवं जैन त्योहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण का अर्थ है सावन। श्रावण महीने में आने के कारण इसे श्रावणी, सावनी या सलूलो भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रक्षाबंधन को क्यों मनाते हैं? पुराने युग के समय जब भाई और पति युद्ध लड़ने जाते थे तो बहन और पत्नियां उन्हें रक्षा की डोरी बांधती थी और साथ ही साथ वह यह प्रार्थना करती थी कि उसके भाई की लंबी आयु रहे। साथ ही साथ भाई यह वचन देता था कि वह उसकी अजीब जीवन में सुरक्षा करेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन की खोज किसने की थी और कितने साल पहले की थी? रक्षाबंधन की खोज रानी कर्णावती ने 6000 साल पहले की थी। हम हर साल रक्षाबंधन को सावन शुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, पर इस साल हम द्वितीय शुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाएंगे। माना जाता है कि हम द्वितीय शुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत कम बार राखी बनाते हैं। हम इस साल रक्षाबंधन को 30 अगस्त के दिन मनाएंगे। मैं सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद।